और ये अभी सो के जगा है, इसलिए अभी इसका मिजाज सही नहीं है ना बाबू। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिंगर फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम जा रहे हैं चाय बनाने। आज चाय पीने का सबका मन है, वैसे हमने शाम को चाय बनाना बंद कर दिया, सुबह भी बनती बहुत कम जब मन होता है, डेली कोई नियम नहीं है। कल नहीं बनी थी, आज बनी है। तो अभी चलते हैं, आज चाय पीने का मन है, बनाएंगे चाय और चाय के साथ में कुछ और हल्का फुल्का सा नाश्ता देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में। और ये देखिए अभी आ गए हैं किचन में, और ये बाबू भी आ गया मेरे पीछे पीछे ना बाबू। और आज हवा बहुत ठंडी चल रही, दोपहर में हल्की सी बारिश हुई थी लेकिन मौसम ठंडा हो गया 2 दिन से। अभी 6-7 दिन तो बहुत गर्मी रही है, लेकिन फिलहाल अभी आज तो बहुत ठंडक है। दोपहर में पंखा भी नहीं चला है, दरवाजा खुले थे, खिड़कियां खुली थी, बहुत अच्छी हवा आ रही थी। तो चलिए रख देते हैं इधर चाय। और यहाँ पर ये देखिए दोनों बच्चे खड़े हुए हैं, इनको चीनी चाहिए। जब भी चाय बनाओ तो चीनी ज़रूर चाहिए, चाहे 2 ही दाने दो लेकिन चाहिए ज़रूर। और दोनों को जुखाम भी बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए मैंने थोड़ी सी दे दी है हाथ में 2-2 दाने, बस इनको तसल्ली हो गई है। और इधर ये देखिए भून रहे हैं चिप्स पापड़ चाय के साथ में खाने के लिए, सबका मन था तो हमने कहा चलो आज यही बना लेते हैं। और इधर एक साइड में रख दी है चाय, लाइट भी चली गई थी, किचन में काफ़ी अंधेरा था। और इन्वर्टर है मेरे पास लेकिन अभी उसका कनेक्शन नहीं है, और कमरे में है किचन में नहीं है, इसलिए खिड़कियां खोल दो, थोड़ा बहुत उजाला आता है, बाकी वीडियो में नहीं क्लियर दिख रहा है इतना। और थोड़ी देर बाद लाइट आ भी गई थी, जैसे मैंने चाय में दूध डाला अभी देखिए थोड़ी देर में लाइट आ गई थी, ये देखिए तो फिर सही से दिख रहा था। और ये देखिए चाय पक गई है, इसको अब छान लेते हैं। और बच्चों के लिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी चाय नाम मात्र की और दूध मिला के दे दिया है, वो दोनों अपना लेके निकल रहे हैं बाहर, कटोरी में दे दिया है। और यहाँ पर देखिए चाय बन गई है, तो हम जा रहे हैं सबको देने के लिए, सारे इंतज़ार कर रहे हैं बैठे हुए। और बाबू पहले ही चिप्स पापड़ की प्लेट लेके चला गया है, कह रहा मम्मी चाय लेकर आ। और इन दोनों के लिए भी चाय मैंने निकाल दी थी, तो अभी सब लोग खाएंगे और चाय पियेंगे। और आज मैंने बेड के सारे गद्दे धूप में डाले थे, बारिश हुई थी तो पता नहीं कैसा हो रहा था। तो ये देखिए अभी बेड भी बिछाना है, सब कुछ ऐसा ही पड़ा हुआ है। और ये देखिए इतने सारे पापड़ और इधर चाय, तो आ जाइए आप लोग भी शाम की चाय आकर पी लीजिए, चाय चिप्स। और यहाँ पर ये देखिए, और ये देखिए बाबू यहाँ पर अपनी कॉपी लिए खड़ा है पढ़ाई करने के लिए, सारा दिन ये पढ़ता है, जब इसका मन करता है लेके बुक खड़ा हो जाता है, पापा पढ़ाओ हमको। और हम यहाँ पर बिछा रहे हैं बेड, और बेड शीट भी गंदी हो गई थी, उसको मैंने निकाल दिया था, दूसरी बिछा रहे हैं और वो वाली धुल देंगे। और ये देखो ये घूम रहा है पीछे पीछे कि अभी कोई पढ़ा दे, कोई अभी पढ़ाने वाला नहीं, कोई फ्री नहीं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और यहाँ पर जल्दी से बिछा देते हैं बेड, फिर करेंगे खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि शाम हो गई थी, खाना भी बनाना है। और लाइट पता नहीं इस समय क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत आती जाती रहती है बार बार, और किचन में हो जाता है फिर अंधेरा। तो हमने कहा चलो अभी लाइट आ गई, बना लेते हैं पहले खाना, इसके बाद फिर देखेंगे दूसरा कुछ काम। तो सबसे पहले बेड बिछा दिया है, बच्चे बैठेंगे इसी में पढ़ेंगे, अनिका भी अपना होमवर्क करेगी ट्यूशन वाला, वो ट्यूशन घर ही में पढ़ती है, उसकी मैडम घर में पढ़ाने आती हैं, तो वो भी अपना होमवर्क करेगी, थोड़ा सा भी करेगी थोड़ा सुबह कर लेगी, नहीं तो फिर सुबह जब करती है एक साथ में तो कहती मम्मी हाथ दर्द कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसने लिखना सीखा है और ज़्यादा देर अगर लिखती है तो फिर उसका हाथ दर्द करने लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करती है, थोड़ा रात में करवा देती है, थोड़ा सुबह जल्दी। और उसकी मैडम दोपहर तक ही आती है, तब तक सारा होमवर्क उसका कंप्लीट हो जाता है,
और ये देखिए बेड बिछ गया है, इसमें लगा देंगे चद्दर तकिया सब कुछ रख देंगे इसी में। वैसे भी किधर साइड भी रख दो, इस साइड या उस साइड, बच्चे जहाँ मनाएगा उधर ही कर देंगे। अभी दिन भर में दो चार बार तो ये सब ठीक करना ही पड़ता है, बेड शीट चद्दर तकिया सब खेल एक दूसरे को मार कूट करके इधर उधर कर देते हैं दोनों, बहुत शैतान है। और देखिए मैंने इस साइड ही रख दिया है, हो सकता है उधर ये खेले क्योंकि ये दोनों बेड में बहुत ज़्यादा ही खेलते हैं। और जो रैक कटी है दोनों साइड, ये इन दोनों का घर है, एक एक अपना बंटवारा भी हो गया है। और ये फिर मॉर्निंग की क्लिप है, ये जाली धुली थी, काफ़ी समय हो गया था धुला नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज इसको धुल देते हैं। इसके सारे डिब्बे वगैरह सब निकाल के धुल दिए हैं और सूख गए, इनको पोंछ भी दिया है। और इसको फिर रखेंगे किचन में, फिर लगा देंगे सब कुछ। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं फिर एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। तो फ्रेंड जो मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।